नमस्कार, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ उन ज्ञान पिपासुओं का जिनका हिंदी साहित्य से खासा लगाव या सरोकार है। प्यारे विद्यार्थियों, हम आपके लिए प्रथम वर्ष जो है उसमें प्राचीन काव्य नामक जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें पाठ एक बोला मनोरा दुआ, उसकी पद की व्याख्या कर रहे थे। इसमें हमने 10 पद हमने लगभग पढ़ लिए कल अगले पिछली कक्षा में, और अब आगे हम आज हैं वो जो महत्वपूर्ण पद है उनकी व्याख्या करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो महत्वपूर्ण पद है वो उनमें आपके कवि कुशल लाभ जी द्वारा जो रचित ये ढोला मनोरा दोहा है, इसमें आगे देखिए कि कागरे नहीं कर मसे नहीं भेजते समय वो किस प्रकार के मनोभाव प्रकट कर रही है, तो वो इस पंक्ति में हमें देखने को मिल रहा है। अब देखिए, मारवणी ने तो संदेशा भेजा है लेकिन उधर से डोला की तरफ से कोई वापस संदेश नहीं आया, तो इसलिए नायिका मारवणी सोचती है क्या कि क्या कारण है कि मेरे भेजे गए संदेश का उत्तर है मेरे डोला है वो मंच तक नहीं पहुँचा रहे हैं। तो इसका वो किस प्रकार से एक तरह से शंका करती है, संदेह करती है कि क्या हो सकता है ऐसा कारण कि जिससे उन्होंने मेरे लिए कोई भी संदेश वापस वो नहीं भेजा है। तो इसलिए अब इसमें देखिए किस प्रकार से वो है, इसका पद की व्याख्या वो देखिए कि कागड़ नहीं कमस नहीं। कागड़ का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों कागज। यहाँ पर ये देखो राजस्थान में अड़े है, इसको क्या बोलते हैं लय का ही आगे राजस्थान में अड़े शब्द है, इसको बोला जाता है लय की तरह ही अड़े। तो कागड़ नहीं कमस नहीं का लेखनहार संदेशा ही नामिया जीव किसी आधार। तो इसमें मारवाणी कहती है कि शायद कागज नहीं है डोला के पास, डोला के देश में कागज नहीं है, या फिर कह मस नहीं, या फिर क्या नहीं है, या फिर मस नहीं है, मस मैंने स्याही, ठीक है ना। तो पिताजी कहते हैं मसी कागज कलम छुओ नहीं, मसी कागज छुओ नहीं कलम गयो नहीं हाथ। तो मसी का क्या होता है स्याही, ठीक है, मस का स्याही नहीं है, नहीं कले कनार या फिर कोई लिखने वाला लेखनहार मैंने लिखने वाला नहीं है, मैं तो कोई उस कागज को या तो स्याही नहीं है या फिर कोई लिखने वाला नहीं, उस पत्र को लिखने वाला नहीं है या फिर स्याही नहीं है, ठीक है, या तो फिर स्याही नहीं है या फिर लिखने वाला नहीं है या फिर कागज नहीं है, ठीक है। तो इस पर इनका ये हो गया कि नायिका जो मारवाणी है ये सोचती है मन ही मन कि या तो फिर डोला के देश में कागज नहीं है या फिर स्याही नहीं है लिखने के लिए या फिर लिखने वाला कोई है नहीं, लिखने वाला कोई नहीं है, नहीं का लेखना लिखने वाला कोई नहीं। तो संदेशा ही नाविया, नाविया मुझे नहीं आया, नाविया का अर्थ क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों नहीं आया, कि मेरा जो मैंने जो संदेश भेजा है उसका वापस उत्तर है, उत्तर रूप में जो संदेश है वो नहीं आया है, उत्तर रूप में संदेश नहीं आया। तो जीवों किस आधार, इस विरह व्यथा के कारण अब मैं किस प्रकार से जीवित रहूं, किस आधार पर जीवन मैं जीवित, किस प्रकार से मैं जीवित रहूं, किसे ही मैंने किस आधार पर, किस आधार पर जीवित रहूं, ये नायिका कहती है कौन मारवाणी, जीवित रहूं किस आधार पर, जीवित रहूं जीवों किस ही आधार। तो ये समझ में आ गया होगा प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। प्रश्न में आप क्या लिखोगे, प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पद हाँ, जो है कवि कुशल लाभ या कलोल के द्वारा रचित ढोला मारोरा दोहा शीर्षक से अवतरित है या उद्धृत है, ऐसा लिख सकते हैं।
ठीक है। और इसमें मारवाणी है, अपना विनय संदेश है, वो ढोला पथिक के माध्यम से, ढांडी के माध्यम से अपने प्रियतम ढोला को भेजती है। तो इसमें वो संदेशा भेजते समय शंका करती है कि मैंने जो संदेश भेजा है लेकिन उस उनकी तरफ से, ढोला की तरफ से वापस उत्तर नहीं आया है, तो उस इस कारण वो अपने मन में शंका करती है। तो उसी का इसमें भाव विभेदे हुआ है। तो ये तो हो गया प्रश्न की बात। अब इसमें आप व्याख्या है वो इस प्रकार से करना है। मारवाणी है वो वीरवेता से व्याकुल होकर के कहती है कि शायद मेरे ढोला के देश में, नरवर देश में कागज नहीं है, या फिर स्याही नहीं है, या फिर हो सकता है कि उनके कागज को लिखने वाला, पत्र को लिखने वाला भी कोई नहीं होगा, इसीलिए उनकी तरफ से, प्रियतम की तरफ से कोई भी संदेश मेरे ओर नहीं आया है। तो संदेशा ही नाम या संदेशा वहाँ उनकी तरफ से नहीं आया, उत्तर रूप में कोई भी संदेशा नहीं आया, इसलिए अब मैं जीवन किस आधार, अब मैं हे डोला मैं किस आधार पर जीवित रहूँ। अर्थात विरह बेटा के, विरह की जो अतिशयता हो गई है, अत्यधिक विरह के कारण अब तो लगता है जैसे प्राण है वो निकल ही जाएंगे, इसलिए अब किस आधार पर, कैसा कौन सा सहारा लूँ, कैसा कौन सा आधार लूँ जिससे मैं अब जीवित रहूँ। कि कम से कम अगर आप पत्र भी लिखें तो कम ये तो मुझे, मेरे हृदय को तसल्ली हो कि मेरे प्रियतम सुरक्षित है और मुझे याद करते हैं। लेकिन अब किसी भी तरह से कोई सूचना नहीं है, इसलिए वो मारवाणी शंका करती है, संदेह करती है कि मैं किस आधार पर मैं जीवित रहूँगी, मेरा जीवन संकट में है। तो ये आप लिख देना। और विषय, विशेष में वही बात है, विशेष में आप लिख दोगे कि भाई मारवाणी है इसमें संदेह प्रकट करती हुई, संदेह विरह बेटा के कारण संदेह प्रकट करती है संदेशा नहीं आने का। और दूसरे अगर बिंदु की बात करें तो आप ये भी लिख सकते हैं भाई अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास, रूपक अलंकारों की प्राप्ति हो रही है, और साथ में आप लिख सकते हैं कि छंद की जो है, छंद आपका यह दुआ छंद है, भाषा है वो डिंगल है, छंद की यति गति उचित है, भाषा सौंदर्य अत्युत्तम है, यह आप पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, अनुप्रास सब में लिख सकते हैं, और नहीं आए तो कम से कम अनुप्रास है ये तो लिख देना। ठीक है, इसमें आपके नंबर बन जाएंगे अच्छे। आगे देखिए अगला जो पद देखिए विद्यार्थियों, कागज़ नहीं कह मसी नहीं लिखता आड़े से यार, कागज़ नहीं कह मसी नहीं लिखता आड़े से थाई, अरे कह मुड़े देश संदेश डा मोल ही बड़े बिकाए ढोला, मोल ही बड़े बिकाए। तो इस पद में देखिए ऊपर वाली पंक्ति इसमें भी आ गई है कि कागज नहीं है, ढोला को संदेश दे दिया है लेकिन बिरुन की तरफ से कोई संदेशा नहीं आया है। तो संदेह करती हुई नायिका मारवाणी कहती है कि शायद मेरे ढोला के देश में कागज नहीं है, कागज मैंने कागज कोई दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं ऊपर वाले पद है, और न स्याही भी नहीं है, या फिर लिखता आड़स था, या फिर था मैंने उनको, उनको क्या आ गया है शायद उनको लिखने में क्या आ रहा है, आलस्य हो रहा है, लिखने में आलस्य हो रहा है, किसको लिखने में, ढोला को, प्रियतम को लिखने में, वे वापिस संदेशा भेजने के लिए आलस्य वो कर रहे हैं, आलस्य उनको आ रहा है शायद, इस कारण से मेरा वो प्रेम पत्र, प्रेम संदेश, वो अपनी तरफ से कोई भी प्रेम संदेश या कुशल क्षेम जो है वो नहीं भेज पा रहे हैं। तो ये संदेह व्यक्त करती है कौन, मारवाणी। प्यारे विद्यार्थियों अगली पंक्ति में देखिए, कह मुन देश संदेश डा मोल ही बड़े बिका, या फिर कह मने, या फिर कह मने उन, उन मने उन, उन देश, उन देश में संदेश का मने संदेशा, उन देश, उस देश में संदेशा है मोले बड़े बिकाए, मोल मूल्य, मोल मने मूल्य या मोल, ठीक है, बड़े मने बड़े, बिकाए मने बिकते हैं, या फिर उनके देश में, मेरे ढोला के देश में, नरवर देश में जो है संदेशा है वो बहुत ही बड़े मूल्य पर बिकता है, इसीलिए शायद ज़्यादा मूल्य चुकाने के कारण शायद वो मेरे, मेरी तरफ प्रेम संदेश वो नहीं भेजते हैं, कुशल क्षेम नहीं भेजते हैं, क्योंकि उनके देश में शायद ये शंका करते हैं, क्योंकि विरह व्यवस्था, विरह बेटा में जो नायिका है वो एक तरह से
पागल की सी स्थिति हो जाती है, कुछ भी कह सकती है, ये दशाएं होती है विरह की। तो उसमें वो एक तरह से संदेह व्यक्त करती हुई कहती है कि शायद उनके देश में, या यूं कहीं कह सकते हैं कि नायिका एक तरह से नायक के प्रति व्यंग्य कर रही है, ठीक है, व्यंग्य कर रही है, कटाक्ष कर रही है, तीखे वचन बोल रही है कि शायद उनके देश में जो संदेश है वो बड़े मूल्य पर बिकते हैं, इसीलिए नहीं भेजते हैं। तो आशा आपको ये भी समझ में आ गया होगा, और विशेष में आप कोई बिंदु लिख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे वाले जो दो है आपके वो देखिए, संदेशा मति मोह संदेशा है वो अब मेरी ओर मत भेजो। प्रीतम तू आवेश, अब तो प्रीतम तू ही आ जाओ, हे प्रीतम अब तो आप स्वयं ही आ जाओ, तुम आवेश, तुम स्वयं ही आ जाओ, आवेश मैंने आ जाओ, आवेश का मतलब आ जाओ। अंगुलियां, ठीक है, उंगुलियां क्या हो गई है, गल गई है, गड़ी मैंने अड़े है, गड़ी का तो क्या, गल गई है, ठीक है। उनका इंतजार करते करते, प्रतीक्षा करते करते, उनकी अवधि को निहारते, मेरी अंगुलियां है वो भी क्या हो गई है, गल गई है। गिणता घिस गई मारे आंगड़ी हारी रेख। तो ये अपने राजस्थानी गीत में आता है, मांड जो है उसमें। तो इस प्रकार से इसमें ये बताया है, नायिका कह रही है कि मेरी तो प्रतीक्षा करते करते अंगुली गल गई है, और मेरे वाचन देश माने संदेश, समाचार, ठीक है, और वाचन माने बांचना, पढ़ना, ठीक है, नैन मने नहीं और नैन मने आँखी, ठीक है। अब आँखों में वो दृष्टि नहीं रही कि अब मैं आपके संदेश को पढ़ सकूं, यानी मेरे विरह वेता के कारण शारीरिक मनोदशा इस प्रकार से हो गई है, अब मैं इतनी कमजोर क्षीण हो चुकी हूँ कि अब मेरे नेत्रों में वो दृष्टि नहीं रही कि जिससे मैं आपका संदेश है वो मैं पढ़ सकूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पर नायिका की बड़ी मार्मिक स्थिति का वर्णन इसमें किया है कवि ने, बहुत सुंदर इसमें मार्मिकता दिखाई है राजस्थानी काव्य, इस काव्य में कि अंगुलियां ही बढ़ी गया, नहीं वाचन देश, अब तो आप स्वयं आ जाओ तो बढ़िया है, क्यों, क्योंकि मेरी तो गिनते प्रतीक्षा करते करते अंगुलियां गल चुकी है, और अब नेत्रों में भी वो दृष्टि नहीं रही है जिससे मैं आपके भेजे हुए संदेश को पढ़ सकूं। तो इस प्रकार से यहाँ पर नायिका ने बड़ी मार्मिक बात है वो कही है, और विरह की अतिशयता का वर्णन इसमें किया गया है, और आपके अनुप्रास है, रूपक है, उन अलंकारों का प्रयोग इसमें, अनुप्रास रूपक अलंकार इसमें प्रयोग किए गए हैं, और भाषा है लिंग राजस्थानी है, और छंद है वो दुआ है, और मारवाणी की अत्यधिक विरह रेखा का वर्णन इसमें किया गया है। अगला पद देखिए गए विद्यार्थियों, सजनिया सावण हुआ धड़ी उलटी भंडार, विरह मारस उमटई के ताकम संभार, ढोला के ताकम संभार। तो प्यारे विद्यार्थी देखिए इसमें
साजन हे प्रियतम, हे पति कि सावन का महीना लग गया है, सावन मास से आ गया है या लग गया है, सावन का महीना आ गया है। सावन हुआ, हुआ मतलब हो गया, हो गया मतलब सावन का महीना लग गया है। धड़ी उल्टी बंडा, धड़ी मतलब धरती पृथ्वी, धरती या पृथ्वी, उल्टी भंडार, धरती ने अपना हरियाली रूपी भंडार है वो उलट दिया है। भंडार का अर्थ यहाँ पर क्या है, हरियाली रूपी भंडार, क्योंकि चार वर्षा के जल से पूरी धरती हरी भरी हो गई है, तो हरियाली रूपी भंडार को क्या कर दिया, धरती ने उलट दिया है। समझ में आया कि धरती ने हरियाली रूपी भंडार को उलट दिया है, अर्थात सर्वत्र पूरी धरती पर हरियाली हरियाली छा गई है, समस्त जगह हरिया भरा जो वातावरण है वो हो गया है। तो इस प्रकार से धरती ने अपने जो भंडार है, गोपनीय भंडार है, गुप्त भंडार है, उसको उलट दिया है हरियाली के रूप में। आगे समझ में आ गया, सावन के महीने में हरे हरे पेड़ है चारों तरफ दिखने लगे हैं, हरियाली हरियाली छा गई है। वीर है महारस उमटे हो, और इस आपको पता है कि जो हिंदी साहित्य में पढ़ते हैं मेरे विद्यार्थियों, कि जो संयोग पक्ष में जो ये चीजें प्राकृतिक जो उद्दीपन कारक होते हैं, ये प्राकृतिक सावन का महीना है, पेड़ पौधे हैं, ऋतुएं हैं, जो है 12 महीने हैं, तो ये संयोग पक्ष में तो लगते हैं अच्छे नायिका को, लेकिन वियोग पक्ष में ये ही क्या करते हैं, वियोगता को बढ़ाने के लिए विरहिणी नायिका के विरह को बढ़ाने वाले बन जाते हैं। तो इसमें वही है कि विरह महारस, महारस रस का मतलब होता जल, यहाँ पर तो विरह रूपी जल है वो उमटिया मन उमड़ रहा है, उमटिया मन उमड़ रहा है। विरह रूपी अत्यधिक विरह वेता के कारण, आपकी याद करते करते विरह वेता के कारण इधर शरीर से क्या हो रहा है, शरीर में वर्षा के कारण विरह का भारी है वो प्रवाह हो गया है, क्योंकि वर्षा काल में नायिका का विरह है वो अत्यधिक बढ़ गया है। इस कारण से शरीर में जो है विरह रूपी जो महारस है या जल का जो प्रवाह है, विरह रूपी जल, यहाँ पर उपमा रूपक देखिए, विरह रूपी जल का प्रवाह उमटिया मन उमड़ गया है, प्रवाह बढ़ गया है। तो के का कौन संभार, के मन कौन, ताको मन उसको, ताको मैंने उसको, संभार मैंने संभालेगा, संभार मैंने संभालेगा, वो ना करके मेरे इस बढ़ते हुए विरह वेदना के इस जल प्रवाह को, इस अत्यधिक अतिशयता प्रभाव को कौन जा करके अब संभालेगा। तो प्यारे विद्यार्थी, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये पंक्ति, ये जो दुआ है इसमें आप विरह की जो शारीरिक जो विरह है उसका किस प्रकार से अत्यधिक उद्दीपन जो इसमें वर्णन है वो किया गया है, ये आप उसमें विशेष में लिख सकते हैं, और वो विशेष के पॉइंट मैंने बता ही दिए, वो आप लिख देना। अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार का प्रयोग इसमें हुआ है, और भाषा डिंगन राजस्थानी, दुआ छंद का प्रयोग इसमें किया गया है। अगला अंतिम जो मैं बता रहा हूँ देखिए आज का, इसमें जय तू ढोला आकाश में जो बिजलियां चमक रही है उसको देख करके
जो है चमकती हुई बिजलियों को खेलता है, चमकती हुई जो है बीज मैंने बिजलियों को देख करके चमक कर मर जाऊंगी। कौन कह रही है? मारवाड़ी कि अगर तुम इसे जय तू ढोला ना आयो, यदि तुम हे प्रीतम नहीं आओगे कब कजलियारी की बात बदमाश के कृष्ण पक्ष की तृतीया के तक भी अगर नहीं आओगे तो तुम्हारी ये जो मारवाणी तुम्हारी जो पत्नी है वो आकाश में चमकती हुई बिजली को देख करके मर जाएगी, इसीलिए तुम शीघ्रता से घर चले आओ। तो ये है प्रियतम को संदेशा देती हुई नायिका कह रही है इसमें। तो प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ ये पद भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर भी वही अनुप्रास है, पर्यायोक्ति अलंकार का भी प्रयोग इसमें किया गया है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, विरह की जो व्यथा है वो अत्यधिक तीव्रता, विरह की व्यथा का तीव्रता का आभास इसमें हुआ है, वर्णन हुआ है। और मारवाणी है वो किस प्रकार से विरह से व्याकुल हो रही है इसका वर्णन इसमें किया गया है। भाषा डिंग जो है डिंग राजस्थानी है, दुआ छंद का प्रयोग इसमें किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों जो महत्वपूर्ण जो पद है वो मैंने पढ़ाए हैं आज की कक्षा में, बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहो। जय भारत, जय हिंदी।